यूसुफ सिराज मुर्दाबाद 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 राजा पाकर वीडियो बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो भ्रष्ट वीडियो नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए भ्रष्ट अश्लील हरकत करने वाला वीडियो नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए राजा मैं मिट्ठू नया बिहार न्यूज़ से आप सभी को आदाब सलाम प्रणाम। आज हम रामपुर रत्नाकर पंचायत में आए हैं जहां पे वीडियो साहब का राजा पाकर वीडियो साहब का वीडियो वायरल हुआ है जिस पे लोगों में आक्रोश है। आप देख सकते हैं किस तरह से पुतला दहन कर रहे हैं। विशेष जानकारी के लिए हमारे खास पेशकश के लिए आप वीडियो में देखते रहिए, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना न भूले, सुनते रहिए नया बिहार न्यूज़। फिर से आप सभी को हवस के पुजारी प्रखंड विकास पदाधिकारी मुर्दाबाद राजा पाकर वीडियो को जल्द से जल्द बर्खास्त करो बर्खास्त करो राजा पाकर वीडियो को जल्द से जल्द बर्खास्त करो कानूनी कार्रवाई करो राजा पाकर वीडियो पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करो कार्रवाई करो राजा पाकर वीडियो को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो राजा पाकर वीडियो मुर्दाबाद 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 राजा पाकर वीडियो मुर्दाबाद मुर्दाबाद राजा पाकर वीडियो मुर्दाबाद 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 राजा पाकर वीडियो को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो राजा पाकर वीडियो को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो राजा पाकर वीडियो को बर्खास्त करो बर्खास्त करो राजा पाकर वीडियो मुर्दाबाद 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 राजा पाकर वीडियो मुर्दाबाद 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 राजा पाकर वीडियो को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो राजा पाकर वीडियो को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो यूसुफ सिराज हाय 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 यूसुफ सिराज हाय 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 यूसुफ सिराज हाय 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 आज यहाँ पे ये पुतला क्यों फूका गया है और किसका पुतला फूका गया है राजा पाकर वीडियो का क्यों राजा पाकर वीडियो से क्या आपत्ति है आप लोगों ने क्यों उनका पुतला फूका है जारी है आचरण का गिरा हुआ है क्या किया है राजा पाकर वीडियो और अश्लील कर्म करता है क्या अश्लील कर्म किया उसके बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे आप लोग विस्तार से क्या वीडियो निकाला है वो छपड़ा में जाके आपका क्या नाम हुआ बताए आज ये पुतला यहाँ पे आप लोगों ने क्यों दहन किया है इसलिए जो इसी सिराज जो वीडियो है वो असली हरकत करते हैं इसलिए उनका पुतला फूका गया है जो यहाँ से भ्रष्ट को हटाया जाए और दूसरा वीडियो लाया जाए आप लोगों ने देखा है उनका वीडियो हाँ वीडियो देखे हैं कैसा वीडियो है उनका बहुत ऐसा गंदा वीडियो है जो किसी को देखने लायक नहीं है आपका नाम आपका परिचय हमारा नीलू देवी वार्ड सदस्य वार्ड सदस्य संघ जिला उपाध्यक्ष ठीक सुधीर जी आज क्या यहाँ पे मैटर है आज यहाँ पे एक पुतला फूका गया है किसका पुतला है ये पुतला फूका गया है राजापाड़ा प्रखंड वीडियो यूसुफ सिराज का क्या मैटर है कुछ विस्तार से समझाएंगे मैटर यही है कि जो इन्होंने अपना घर से आने के क्रम में एक उनका सोनपुर के आसपास में जगह है कोई जहाँ पर इन्होंने अश्लील हरकत अपने मोबाइल द्वारा किसी दूसरे आदमी से वीडियो बनवाया जिस कारण हम लोग उनका मोबाइल वायरल हुआ वीडियो उनका वायरल हुआ उस वीडियो का हम लोगों ने देखा और देख करके हमको यही समझ में आया कि यह जो वीडियो है हमारे प्रखंड लायक नहीं है ऐसा वीडियो हम लोग को नहीं चाहिए इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो जनप्रतिनिधि है अधिकतर महिलाएं हैं और प्रखंड में हमारे लोग महिलाएं जब जाएगी जनप्रतिनिधि तो कहीं ना कहीं हमें उन पर शक बना हुआ रहेगा डर बना हुआ रहेगा इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनका यहाँ से तबादला हो उनका नौकरी खत्म हो हम सरकार से मांग करते हैं और सरकार को से हम यह सवाल पूछते हैं कि ऐसा भ्रष्ट वीडियो को अधिकारी को जो पद बैठा रखे हैं यह हम लोग साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं हम लोग का न्याय चाहिए हम यही चाहते हैं कि इनका बर्खास्त करके यहाँ से जल्द से जल्द इनको पदमुक्त किया जाए आपका परिचय मैं सुधीर कुमार वार्ड प्रतिनिधि कितने नंबर वार्ड है आपका 3 नंबर ठीक आइए अभी हम मिलते हैं वार्ड नंबर 9 के माननीय पंच से क्या समस्या है आज यहाँ पे ये पुतला क्यों फूका गया है
अपना 9 नंबर भुया रानी पिछला फूका गया है कि प्रखंड लगा पकड़ के वीडियो जो है सो बहुत गंदा अथी किए हैं। क्या क्या गंदा किए हैं, कहाँ से आप लोगों ने वीडियो देखा? लेडीज को बहुत अथी कर दिए कारण। अच्छा ठीक है। आज देखा जाए ये रामपुर रत्नाकर पंचायत के वार्ड नंबर 9 के मुख्य चौराहा पर वीडियो यूसुफ सिराज के विरोध प्रदर्शन में उतरे ग्रामीणों ने उनका पुतला दहन किया। बीच चौराहा पे उन्हें चप्पल का माला पहनाते हुए आज उनका पुतला दहन किया गया है। इस कार्यक्रम में वैशाली जिला के वार्ड सदस्य संघ के जिला उपाध्यक्ष नीलू देवी, वार्ड नंबर 8 के माननीय पंच तेज नारायण राय, वार्ड नंबर 5 के माननीय पंच कामेश्वर प्रसाद चौरसिया एवं वार्ड नंबर 9 के पंच गुड़िया रानी अपने ग्रामीणों के साथ आज वार्ड नंबर 9 के मुख्य चौराहा पर यहां पे वीडियो का पुतला दहन करके और बिहार सरकार एवं जिला अधिकारी वैशाली से वीडियो के अविलंब निलंबित कर उचित कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजने का मांग करते हुए यहां पे वीडियो का पुतला दहन किया है, क्योंकि इन लोगों के अंदर एक महिलाओं में डर और भ्रम पैदा हो गया है, डर पैदा हो गया है। इस वजह से कोई भी महिला प्रतिनिधि जो है वो प्रखंड के अंदर किसी भी कार्य को लेकर नहीं जा रहे हैं और बीते 8 तारीख से वीडियो साहब प्रखंड कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उनका एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ है जो कि सोनपुर प्रखंड नया गाँव में उस वीडियो को वायरल किया गया है। इससे यहां के जनता एवं महिला प्रतिनिधियों में भय का माहौल बन चुका है। मैं अंशु शर्मा, प्रदेश सचिव LJP रामविलास एवं वार्ड सदस्य संघ प्रधान महासचिव बिहार, आज वार्ड नंबर 9 पंचायत राज रामपुर रत्नाकर प्रखंड राजा पाकर जिला वैशाली के अंतर्गत राजा पाकर के वीडियो मोहम्मद यूसुफ सिराज उर्फ हबस के पुजारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों ग्रामीणों ने उतरा और यहां पे वीडियो का एक पुतला दहन किया। पुतला दहन करते हुए ग्रामीणों का मांग है जिलाधिकारी वैशाली एवं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधा सीधा मांग करते हैं यहां के ग्रामीण कि राजा पाकर प्रखंड के भ्रष्ट वीडियो हवस के पुजारी वीडियो यूसुफ सिराज को यथाशीघ्र 24 घंटे के अंदर निलंबित किया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए एवं उनके पिछले 5 साल के जो भी कार्यकाल जितने दिन में वो प्रखंड में रहे हैं राजा पाकर में उनके कार्यकाल का जांच किया जाए एवं उनके जो भी BPS क्लियरेंस एग्जाम क्वालिफाइड का जो पेपर हैं उनको चेक किया जाए, क्योंकि कभी भी एक BPS क्वालिफाइड ऑफिसर ऐसा अश्लील हरकत या अश्लील वीडियो वायरल नहीं कर सकते। इस पे जनता का संदेह है कि सरकार को उनके डिग्री पे विचार करना चाहिए, एक टीम को गठित कर उन पे जांच बैठाना चाहिए और उन पर उचित कड़ी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए।